Relief and rescue operations are in progress in Samej village near Rampur in Shimla district after severe cloudbursts struck various areas of Himachal Pradesh. The resulting landslides have caused extensive damage and destruction throughout the hill station. Several rescue team members have been trapped due to impassable roads, hindering their efforts to carry out rescue and recovery tasks. Tran Bonda से हम जो rescue team लेके आ रहे हैं, मगर जिस point में हमने जाना है, उस point में कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फासला रह गया है, मगर बीच में जो है बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है बीच में एक जगह जो है रास्ता जो धस गया नीचे स्लाइड हो रहा है तो वहाँ पे जो है गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल है तो इसलिए अभी पीछे गाड़ियाँ रोकी है और हम सेफ जगह में गाड़ियों को ले जा रहे हैं बाकी आगे जैसी सिचुएशन होगी आपको बता दिया जाएगा आप देख ही रहे हैं यहाँ के क्या स्थिति है क्या हालात है सो फार 6 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस डेविस्टेटिंग लैंडस्लाइड शिमला का रामपुर क्षेत्र है समेज गांव है और जो कुल्लू ज़िला है उसका बागीपुर एरिया है और निर्मण का कुछ क्षेत्र था और उसके अलावा मंडी का जो हमारा पद्धर तहसील है वहाँ पे मेनली क्लाउडबर्स्ट इवेंट्स हुए थे इसमें 53 लोग जो है वो मिसिंग हैं 53 में 6 जो 6 लोग हैं उनकी दुखद मृत्यु हुई है और उनकी बॉडीज जो है वो रिकवर हो गई हैं और ये मेन एपिसेंटर थे बेसिकली इस क्लाउडबर्स्ट इवेंट के इसमें जो नुकसान हुआ लगभग 60 से ज़्यादा घर लोगों के बह गए हैं गांव काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और 50 से ज़्यादा लोग जो स्ट्रैंडेड थे उसको SDRF ने और NDRF ने बचा लिया है देखिए 47 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं और अलग अलग जगह पे हमारी स्पेशलाइज टीम जिसमें लोकल हमारे रिस्पॉन्स एजेंसीज SDRF पुलिस होमगार्ड के अलावा NDRF के लोग मौजूद हैं रामपुर क्षेत्र में 2 NDRF की स्पेशलाइज टीम्स अवेलेबल हैं और उसके अलावा हमारे PWD की मशीनरी वगैरह भी वहाँ पे लगी हुई है इसी तरह से कुल्लू क्षेत्र में और मंडी में भी NDRF अवेलेबल हैं और जब तक हम सारे जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढ नहीं पाते हमारा प्रयास रहेगा तो ये ऑपरेशन जारी रहेंगे सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन